डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नितेश कुमार एंड वेलकम बैक टू एसएससी एरिना। बच्चों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, जहां पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलते हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो अवार्ड से रिलेटेड है। बच्चों, आज हम बाफ्टा अवार्ड करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाफ्टा की फुल फॉर्म से, कि बाफ्टा का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, बाफ्टा का फुल फॉर्म, जो कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। अब इससे आपको ये पता चल जाएगा कि बाफ्टा किस क्षेत्र में दिया जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बाफ्टा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन में देगा साहित्य, पत्रकारिता, फिल्म या फिर खेल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिल्म या फिर टेलीविज़न आर्ट्स। किसके द्वारा दिया जाता है बच्चों? ये दिया जाता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स के द्वारा। ये ब्रिटेन में दिया जाता है, आप नाम से पता लगा सकते हैं। ऑस्कर के ही तरह ये भी काफ़ी सम्मानित अवार्ड है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बच्चों, ऑस्कर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में भी जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बाफ्टा के बारे में। इस बार का 72वां जो ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड था, ये दिया गया था 72वें नंबर का। 10 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में। ठीक है, हालांकि डेट और साइट के पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है, परंतु आप फिर भी इसे एक बार पढ़ करके रिमाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि ऑस्कर में और बाफ्टा में काफ़ी अवार्ड्स सिमिलर हैं, तो अगर आप एक बार ये पढ़ लेंगे फिर ऑस्कर भी पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और आप एक साथ दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को याद रख पाएंगे। तो बेस्ट फिल्म देखते हैं। बेस्ट फिल्म मिला था रोमा को, ठीक है, बाफ्टा में, जबकि ऑस्कर में किसे मिला था बच्चों? ऑस्कर में मिला था ग्रीन बुक को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था, जबकि बाफ्टा में मिला है रोमा को। ठीक है, रोमा काफ़ी अच्छी मूवी है, मैक्सिकन की जो लैंग्वेज की मूवी है वो है रोमा। ये मैक्सिको में बनी है, और जो ऑस्कर में जो फॉरेन लैंग्वेज में बेस्ट मूवी जो मिली है वो रोमा को ही मिला है। ठीक है, जो कि मैक्सिको और मैक्सिकन लैंग्वेज में है। आगे हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म। तो द फेवरेट, यानी ब्रिटिश की सबसे, यानी ब्रिटेन में बनी सबसे बेहतरीन फिल्म जो दी गई है, उसका अवार्ड दिया गया है फेवरेट को। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि लीडिंग एक्टर किसे मिला है, यानी कि मेल जो एक्टर होता है उसका जो अवार्ड है किसे मिला है। तो ये मिला है रामे मलिक को, जो कि बोहिमिया रैप्सोडी मूवी के लिए दिया गया है। बच्चों, ये काफ़ी सिमिलर है ऑस्कर अवार्ड से, यानी ऑस्कर में अगर आपसे पूछता है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो उसका आंसर भी रामी मलिक और मूवी का नाम बोहिमियन रैप्सोडी ही होगा। आप एक बार जाकर ऑस्कर देख लीजिएगा, मैंने काफ़ी डिटेल से उसको बताया है। लीडिंग एक्ट्रेस की बात करते हैं तो ये हैं ओलिविया कॉलमन। ये मूवी है द फेवरेट, महिलाओं के ऊपर ये मूवी बेस्ड है, तो इन्हीं के जो लीडिंग एक्ट्रेस थी ओलिवियन कॉलमन, उनको ये मूवी द फेवरेट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है बाफ्टा में। बच्चों, सिमिलरली ऑस्कर में भी इन्हें ही मिला है। तो देखिए, ये दो अगर आप बाफ्टा और ऑस्कर सिमिलर हैं तो आप एक याद करेंगे तो आपको दो दो जगह का याद कर सकते हैं। डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है, ये मिला है अल्फांसो क्यूरोन को, जो कि रोमा मूवी, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया बेस्ट फिल्म बाफ्टा में मिली है इसके लिए। बच्चों, ऑस्कर अवार्ड में भी डायरेक्टर का ही बेस्ट अवार्ड अल्फान क्यूरोन को ही मिला है रोमा मूवी के लिए। तो अब तीन मूवी आपकी हो गई जो कि ऑस्कर और बाफ्टा में सिमिलर थी। ठीक है, तो आप इन्हें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बाफ्टा से पूछा जाएगा तो इन्हीं पांच में से कोई एक नाम पूछा जाएगा, मैंने चारों के चारों नाम इंक्लूड कर दिए हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर दें। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।